डियर फ्रेंड, हमने पिछले जो पार्ट वन था जो ग्राफ के बारे में, उसमें देखा कि सरल रेखा स्ट्रेट लाइन उसके 10 पॉसिबल ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है ना। और जो आपने देखा कि भाई एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ 10 कौन कौन से ग्राफ होते हैं। एक ग्राफ, दो ग्राफ, तीन ग्राफ, चार ग्राफ, पांच ग्राफ, छह ग्राफ, सात ग्राफ, आठ ग्राफ, नौ ग्राफ और ये 10 ग्राफ। ये 10 पॉसिबल ग्राफ्स बन सकते हैं एक्स और वाई के बीच में, ये ओरिजिन को पॉसिबल रखते हैं। ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई, ये ज्यादातर किताबों में दी हुई होती है, मगर किताबों में क्या नहीं दिया हुआ होता है और इस ग्राफ को बनाने में क्या बच्चों को दिक्कत आती है, स्टूडेंट को दिक्कत आती है या सभी जो रिसर्चर को दिक्कत आती है, वो मैं अब आपको बताता हूं। जब भी सरल रेखा के बारे में हमें ग्राफ देखना हो तो हमें वेरिएबल की पावर्स को देखना होता है। अगर वेरिएबल्स की पावर, दोनों की जो मैक्सिमम पावर है वो अगर 1:1 है तो उनके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। हम आप मिच के कह सकते हैं कि उनके बीच में स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूं कि लेट अस से मैंने एक इक्वेशन ली वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी टी टाइम पे वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है। अब हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि हमें ग्राफ किस किस के बीच में खींचना है, v और t के बीच में खींचना है या v की कोई और पावर के बीच में और t की और पावर के बीच में ग्राफ खींचना है। मैं किसी के बीच में भी ग्राफ खींच सकता हूं। तो अगर मेरे को ये कहा है, इस तरीके से ग्राफ दिया कि यहां पे तो v लेना है आपको और यहां पे क्या लेना है, t लेना है, तब मैं इस इक्वेशन के अंदर देखता हूं कि v की पावर क्या है। तो यहां पे v की पावर 1 है और t की पावर भी कितनी है, 1 है। तो मैं आंख मीच के कह सकता हूं कि अगर u पॉजिटिव है और a पॉजिटिव है तो इनके बीच में स्ट्रेट लाइन आएगी और वो इस तरीके से इक्वेशन आएगी। मगर अब मैं इसको सवाल को बदल देता हूं। मान लो मैंने जब इस इक्वेशन के बाद में यहां पे ग्राफ में फिगर के अंदर जब देखा तो उसने v ना लिख करके यहां पे लिख रखा था अंडर रूट v और यहां पे लिख रखा था t। जैसे ही मैंने इसको ये देखा तब मेरे को इस इक्वेशन को अंडर रूट वी में बदलना पड़ेगा। अंडर रूट वी में बदलने का मतलब है कि मैं इसको करूंगा अंडर रूट वी, इस इक्वेशन को यही रखते हुए यहां पे ये लेके आऊंगा। मैंने यहां पे कर दिया अंडर रूट वी और स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 पावर और ये 2 हो गया। तो कहने का मतलब है वी, वी को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये इक्वेशन बन गई यू प्लस जी टी। टी की तो पावर 1 ही है मगर अब अंडर रूट वी की पावर कितनी होगी, 2 होगी। जैसे ही इसकी पावर 2 हो गई अब इनके बीच में रिलेशन पावर 1:1 का नहीं रहा, तो अब इनके बीच में ग्राफ सरल रेखा नहीं होगी। तो कैसी होगी वो हम आने वाले लेक्चर में बताएंगे कि बस ये बात है कि इनके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। इस पर्टिकुलर केस में पैराबोला के रूप में आएगा, वो हम बाद में बताएंगे कि क्यों आएगा, कैसे आएगा, क्या कारण है, वो पैराबोला का डिस्कस करने का है। तो आपको बहुत छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है, केवल इक्वेशन पे ना जा करके आपको ग्राफ के वेरिएबल क्या क्या लेने हैं उसके ऊपर भी फोकस करना है, तब जा करके कोई भी ग्राफ को अपन चाहे किसी भी ग्राफ को हम सरल रेखा बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, दिखने में वो सरल रेखा नहीं है मगर मैं उस ग्राफ को क्या कर सकता हूँ, सरल रेखा बना सकता हूँ। कैसे बना सकते हैं वो अभी अपन एक एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और किसी भी कंपटीशन में, किसी भी जनरली रिसर्च पेपर में इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन लेता हूँ मैं, v इज इक्वल टू वी जीरो e की पावर माइनस अल्फा t। यहाँ v जीरो और अल्फा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने देख दिया कि v जीरो एंड अल्फा कांस्टेंट है। इसका मतलब है मेरे पास दो वेरिएबल हैं v और t। अब मेरे को इस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन में बनाना चाहता हूँ, तो इस इक्वेशन में तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं, ये तो एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा जिसके बारे में अपन बाद में करेंगे, मगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन कैसे बना सकता हूँ ये अपन देखते हैं। तो मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने लॉग लिया तो ये हो गया एल एन वी बराबर एल एन वी जीरो माइनस अल्फा टी। एल एन का मतलब है लॉग, नेचुरल लॉग है, ई की पावर ई में बेस में चलेगा,
वी जीरो कॉन्स्टेंट है तो एल एन वी जीरो क्या हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसको मैं सी जीरो ले लेता हूँ तो माइनस एल्फा ए बन जाएगा। तो मेरे पास अब ग्राफ रह गया एल एन वी बराबर सी जीरो माइनस एल्फा टी। अब अगर मैं ग्राफ एल एन वी और टी के बीच में प्लॉट करूं तो एल एन वी की पावर यहां पे कितनी है, एक, टी की पावर कितनी है, एक, तो इनके बीच में ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो सेम प्रॉब्लम जो ऊपर वाली प्रॉब्लम थी दिखने में वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ था, एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ था, मगर ये किसमें कन्वर्ट हो गया, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब स्ट्रेट लाइन को 10 में से कौन सी होगी वो भी अपन